बुलावे तुझे आए अज मेरी गलिया, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तुझसे मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता। तेरी राहत जिसे मेरी चाहत जिसे मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे और आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू फ्लैशबैक। जंकुक की एंगेजमेंट पार्टी में जंकुक गेस्ट से बात कर रहा होता है, तभी उसे किसी की कॉल आती है। जब वो फोन देखता है तो कॉलर आईडी पे जो नंबर होता है वो ते का होता है। हेलो ते बेबी। हेलो, हाँ कौन हो तुम और ते कहाँ है? वो लड़की फुली ड्रंक है और बार बार अपने अंकल बोल रही है। क्या तुम प्लीज उसे यहाँ से आकर ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ गया, क्या तुम मुझे लोकेशन सेंड कर दोगे? ओके, करता हूँ, बाय। क्या हो गया है देखो, अगर मैंने किसी को भी बताया तो सब परेशान हो जाएंगे, तो अच्छा होगा कि मैं पार्टी शुरू होने से पहले ले आऊँ उसे। End of flashback. पूरी फैमिली ने देखो सुबह तक नोटिस नहीं किया था, क्योंकि सब जंकुक को ढूंढने में बिजी थे। आयु भी बहुत रोती है क्योंकि उसकी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी। मॉम डैड ते भी मिसिंग है। क्या जीनी, तुमने सही से ढूंढा ना? हाँ, वो यहाँ नहीं है। मॉम, मैंने उसे कल से नहीं देखा है। क्या, तो फिर किसी ने हमें बताया क्यों नहीं था? क्योंकि हम सब अंकल के लिए परेशान थे। अब मेरी बेबी कहाँ है? नामजुन, हमारे बॉडीगार्ड्स को कॉल करो और उन्हें ते को ढूंढने के लिए कहो, और उस बदतमीज को भी। तभी वो को एक कॉल आती है। हेलो, कौन? हम KTH बार से बोल रहे हैं। बार से?
जंकू का आपका बेटा है ना? हाँ, कहाँ है वो? वो लास्ट नाइट एक लड़की के साथ सो रहा था। हमने उस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ, वो इस तरह का आदमी बिल्कुल भी नहीं है, समझे तुम? अच्छा तो फिर आकर खुद ही देख लो। नामजुन मेरे साथ आओ। क्या हुआ डैड? मिस्टर जन, जंकू कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं अभी आता हूँ। शुगा, नामजुन, जे होप लीडोंग के पीछे जाते हैं। जब जंकू की आंखें खुलती हैं उसको रियलाइज होता है कि उसने लास्ट नाइट क्या किया था। देखो वो बेड पे बिना कपड़ों के देखता है, उसकी पूरी बॉडी पे लव बाइट्स के बाइट मार्क के निशान थे। ये मैंने क्या किया? जंकू टे को बेडशीट से कवर करके उसे अपने लैप पे बिठा लेता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। I'm sorry. नहीं नहीं होश में आते। तभी जंकू की फैमिली वहां जाती है और उनको देखकर शॉक हो जाते हैं। ते बेबी? नामजुन ते को अपने हाथों में ले लेता है। उन्होंने ते की बॉडी नहीं देखी थी क्योंकि जंकू ने ते की बॉडी को कवर कर दिया था। नामजुन जंकू को नेक्ड देखता है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। नामजुन के हाथ कांप रहे होते हैं। स्लोली वो ते की बॉडी से बेडशीट को हटाकर देखता है। ते की पूरी बॉडी बाइट मार्क और हिकी से कवर थी। जंकू तुमने क्या है ये सब? जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज मुझे मार दीजिए, जान से मार दीजिए मुझे, मैंने मेरी टे बेबी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मार दीजिए डैड, मुझे मार दीजिए। मैंने सोचा नहीं था एक दिन मैं अपनी बेटी को ऐसे देखूंगा। डैड, नामजुन की आवाज़ सुनकर ते अपनी आंखें खोल लेती है और वो देखती है कि जंकू के डैड ने जंकू की तरफ गन पॉइंट कर रखी है। ते चिल्लाना चाहती थी बट वीकनेस की वजह से वो चिल्ला नहीं पाई। दादू, नहीं दादू, आई एम सॉरी बेबी। जंकू तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अंकल आपने ऐसा क्यों किया? मैं नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं है। नामजुन क्या हुआ है मालते को, बताओ मुझे। नामजुन सब बता देता है। क्या? मेरी बच्ची? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। जंकू कैसे कैसे कर सकता है? I'm sorry भाभी। नहीं नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी डॉक्टर आकर ते को चेक करता है। कैसी है वो? बताओ मुझे कैसी है वो? शी वॉज मार्क्ड, और ऐसा लगता है कि उन दोनों को गॉड ने किस्मत से एक दूसरे के लिए बनाया है, और वो मार्क परमानेंट मार्क है। वो बहुत थक गई है, वो किसी की भी टाइम होश में आ जाएगी। डैड, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुना था कि ब्लड रिलेटिव्स कभी भी फेटेड मेट नहीं हो सकते, फिर ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जॉन, क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? डैड बताइए हमें। शी वॉज मार्क्ड, सब शॉक्ड हो जाते हैं। आई मार्क्ड हर? हमें बिना बताए तुम वहां क्यों गए थे? मुझे एक कॉल आया था, उसने कहा कि ते अगर मैंने बताया
कितने नशे में थी तो सब उस पर नाराज होंगे। ते क्या, ते अकेली थी इसलिए मैं उसे लेने गया था। ये हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा पैदा होने के बाद ही मर गया था। मैंने उसे जंगकुक से बदल दिया था। क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था। जंगकुक, तुम मेरे ही बेटे हो और नामजून के भाई। दोबारा कभी ऐसा मत बोलना, तुम मेरे बेटे हो। समझे, तुम मेरे ही बेटे रहोगे। ओके मॉम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक। मैं भी मॉम, मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर क्या आप मुझे तेर से शादी करने दोगी? हाँ, तुम कर लेना। क्यों क्यों, ये सब मेरी फैमिली के साथ ही होता है। गॉड, तो फिर मेरा क्या? आयु, जंगकुक बिना हेजिटेशन के आयु को रिजेक्ट कर देता है। I'm sorry, let's break up. अंकल आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। डैड, सब कुछ अरेंज कीजिए। किस लिए? शादी के लिए। होल मेंशन इज डैड साइलेंस। वो जो है उसको अपनी गलती का एहसास होता है। मिसेस जॉन सैड होती है, बट खुश भी होती है कि जंगकुक उनका बेटा है। नामजून एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ते की लाइफ ऐसी हो गई है।
लेकिन अब भी उसने कहा कि मुझे ब्लेम ना करे। I'm sorry, baby, I'm sorry. सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था, लेकिन उस तेज ने तेने मेरा साला प्लान बर्बाद कर दिया। रेडी हो जाओ, मैं रेडी हो जाओ, तुमने जो किया है ना उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। ओके आर्मी, सो आज के लिए इतना ही। आई नो कि ये बहुत ही इमोशनल पार्ट है, मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि आपको इतना सैडली मत होना करो, बट इट्स ओके, कभी कभी सैड भी होना बनता है। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।